राधे कृष्ण भक्तों, जय माता दी, हर हर महादेव। आज मैं आप सभी के समक्ष एक और वीडियो लेकर उपस्थित हुई हूँ। आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि शरद पूर्णिमा की जो पावन कथा है उसकी क्या महिमा है, शरद पूर्णिमा के दिन ये कथाएं क्यों प्रचलित है, आज उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, कथा आपको बताऊंगी। आप चाहें तो ये कथा पूजा पाठ में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए बिना लंबा करते हुए वीडियो को कथा शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं शरद पूर्णिमा के बारे में कि यह कब मनाया जाएगा। तो शरद पूर्णिमा जो है वो 9 अक्टूबर 2022 को मनाई जा रही है। शरद पूर्णिमा को कोजागरी व्रत पूर्णिमा भी कहते हैं, बहुत जगह इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं, कुछ क्षेत्र में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन चंद्रमा व भगवान विष्णु माता लक्ष्मी सहित उनकी पूजा की जाती है, व्रत भी रखती हैं स्त्रियाँ और व्रत की कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। तो आइए भक्तों, अब उस कथा का हम भी रसास्वादन करते हैं। और कथा कुछ इस प्रकार है कि एक साहूकार था, उसकी दो पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थीं, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री जो है वो अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। और उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती थी, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत पूरा विधि विधान पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जो है वो जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि विधान पूर्वक किया। कुछ समय बाद उसे फिर एक लड़का पैदा हुआ जो कि कुछ दिन बाद ही मर गया। उसने लड़के को एक पाटे यानी कि पीढ़ा पर लिटाकर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पीढ़ा दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी जो उसका घाघरा बच्चे का छू गया। बच्चा घाघरा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तुम मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हुआ है, तेरे पुण्य से ही यह जीवित हुआ है। पूर्णिमा के दिन जो तुम व्रत और तप करती थी उसी के कारण तुम दिव्य तेज से परिपूर्ण और पवित्र हो गई हो। अब मैं भी तुम्हारी तरह व्रत और पूजन करूँगी। इसके बाद उसने पूर्णिमा व्रत पूरे विधि विधान से किया और इस व्रत के महत्व और फल का पूरे नगर में प्रचार कराया। तो इस प्रकार माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर सौभाग्य प्रदान किया और छोटी बेटी के भी आगे चलकर भाग खुल गए। तो भक्तों, यह थी पावन शरद पूर्णिमा की कथा, जिसे सुनने मात्र से ही आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। आप पर धन की जो भी कमी होती है, आपके घर में आर्थिक तंगी होती है, वो भी दूर होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी सहित विष्णु भगवान और चंद्रदेव की पूर्ण श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, उसके जीवन में धन का अभाव कभी नहीं होता है। साथ में वह व्यक्ति और उसके परिवार सभी लोग स्वस्थ रहते हैं। मात्र शरद पूर्णिमा के दिन ही माँ लक्ष्मी जो है वैकुंठ धाम छोड़कर धरती पर पूरा दिन वास करती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं और जो भी उन पर विपत्ति रहती हैं उसे भी दूर करती हैं। तो भक्तों, यह थी शरद पूर्णिमा की पावन कथा, जिसे सुनने मात्र से ही शुभ फल प्राप्त होता है। तो आप भी व्रत रखकर इस कथा को सुनिए और जीवन को अपने पूरी खुशियों से भर लीजिए। जय माता दी।